नमस्कार दोस्तों, पार्ट नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 325 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले 10 साल के अंदर एसएससी जेई के एग्जाम में पूछे आ चुके हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। इसके जो पहले के पार्ट में समझा चुका हूं वह आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, जेई मैकेनिकल 3000 एमसीक्यू के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। और आप पीडीएफ के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं तो हमारी एवी क्लासेस से आपको डाउनलोड कर लें, वहां पर मिलेगा आपको पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट और ई बुक, जिसमें जाकर आप और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एवी क्लासेस की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चार्ट भी बना दिया है जिसके थ्रू आप देखकर एवी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और जिससे आपको कंफ्यूज ना हो और आसानी से उसको डाउनलोड कर सकें, और उसमें जो भी आपको स्टेप है वो फॉलो करके आप जो एसएससी जेई का एग्जाम है वहां तक पहुंच सकें। अब चलते हैं आज की 13 नंबर पार्ट का पहला क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 301, 302 और 303 तीनों ही क्वेश्चन थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन है। जैसे कि पहले में लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर अ हायर पेयर। जो हायर पेयर पूछ रहा है उसने पूछा है किस टाइप का कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है। हायर पेयर, लोअर पेयर आपने सुने होंगे या पढ़े होंगे अच्छे से। तो हायर पेयर क्या होता है, जो पॉइंट कॉन्टैक्ट को डिफाइन करता है, और जबकि लोअर पेयर सरफेस कॉन्टैक्ट को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हायर पेयर की बात कर रहा है तो हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट ए वाले ऑप्शन पे है, इसको हम टिक कर देंगे, तो ए वाला राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जिस्ट इन फ्री बॉडी स्पेस। जो फ्री बॉडी स्पेस है उसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बनते हैं। तो हम जानते हैं हमारे पास तीन एक्सिस होती है, तो तीनों एक्सिस में वह लीनियर डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है। इसके अलावा तीनों डायरेक्शन में क्या कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है। तो इस तरह टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्री बॉडी के लिए, फ्री स्पेस के लिए कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, मैकेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ स्ट्रक्चर व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर कोई मैकेनिज्म है और हम उसको क्या स्ट्रक्चर बोलना चाहते हैं तो कब बोलेंगे, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, जब वह स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होने चाहिए, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तब उसको हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने जाएंगे, 0। तो हमारा कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह तीनों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थ्योरी ऑफ मशीन से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग फ्लक्चुएशन इंजन। इंजन के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है, तो हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं इंजन के जिनके द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि हमारा फ्यूल सप्लाई होता है, तो फ्यूल कब ज्यादा सप्लाई करना है, कब कम करना है, ऐसे हमारी जो गाड़ी की जो स्पीड होती है उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर उसी के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हो फ्लाईव्हील और गवर्नर। फ्लाईव्हील गवर्नर ऐसे दोनों पार्ट्स हैं इंजन की जो हमारे इंजन के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है, उतार चढ़ाव आते हैं, उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, विच टर्म डिफाइन द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड के टर्म में जो फ्लक्चुएशन स्पीड है वो उसके किस फॉर्मूले द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको मैं टिक कर देता हूँ, जो ए वाला यहाँ पर आपको दिख रहा है, ए वाला राइट ऑप्शन है, 2 ω1 − ω2 / ω+ω2। इस पर आप टिक कर देंगे, दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो के बारे में पूछा, किसके, स्लिप इन द बेल्ट ड्राइव। तो स्लिप इन द बेल्ट ड्राइव में जो वेलोसिटी रेशो होता है उसका भी फॉर्मूला में डायरेक्ट बता देते हैं। बी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, क्या लिखा, N2/N1। ये क्या होती है, जो भी इंजन की स्पीड है वाई होती है, सॉरी जो बेल्ट की स्पीड है वाई होती है, पुली की स्पीड। और जो डी क्या होता है, डायमीटर होता है। टी क्या होती है, जो बेल्ट लगा उसकी थिकनेस होती है। एस क्या होती है, जो स्लिप होता है। तो इस तरह ये फॉर्मूला बनता है, N2/N1 = D1 + T/D2 + T1 − S/100। इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज टाइप ऑफ लिंक। क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिए उसमें से लिंक का टाइप कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो रिजिड लिंक का टाइप होता है, फ्लेक्सिबल भी लिंक का टाइप होता है, जबकि फ्लूड लिंक भी लिंक का टाइप होता है। लेकिन नन ऑफ दीज, ऐसा उसमें कुछ लिखा ही नहीं, तो हमारा डी वाला ही ऑप्शन राइट होगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी इक्विवेलेंट विद द फ्रिक्शनल टॉर्क ट्रांसमिट बाय अ डिस्क।
मतलब जो हमारी फ्रिक्शनल टॉर्क होता है, ट्रांसमिट होता है किसके द्वारा, डिस्क और प्लेट क्लच द्वारा, उसके इक्विवेलेंट किसको कहा जा सकता है, ऐसा इसमें ऑप्शन में से हमें बताना है। तो जो फ्लैट कॉलर है बेयरिंग है उसको उसके इक्विवेलेंट कहा जा सकता है। तो हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ वो मैक्सिमम कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस करवाने की। लगभग हर एक पार्ट में 25 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। इससे पहले भी जो भी पार्ट मैंने डाल चुका हूँ उन सब में भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस है, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। और भी जो पार्ट में डाल चुका हूँ जैसा मैं बता चुका हूँ उनको आप देख लें। हमने प्ले लिस्ट बना दी है जेई मैकेनिकल 3000 एमसीक्यू के नाम से। और ऐसे फ्रेंड्स हमारे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। उसके कई फायदे हैं, जैसे कि मैं अलग अलग पार्ट्स लेकर आता हूँ और अलग टाइप के वीडियो डालता रहता हूँ, उसके नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेंगे, तो आप उसका फायदा ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शुड बी द इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल फैक्टर, जो इंक्रीमेंटल फैक्टर है नंबर ऑफ शू के लिए। इंक्रीमेंटल फैक्टर पूछा है नंबर ऑफ शू के लिए, लेकिन कब बोला जाएगा, बोला इफ द एंगेजमेंट स्पीड फॉर द सेंट्रीफ्यूगल क्लच नीड्स टू बी डबल। और जो एंगेजमेंट स्पीड है ऑफ दी किसकी, सेंट्रीफ्यूगल क्लच की, उसकी डबल कर दी जाए तो जो हमारा शू है नंबर ऑफ शू है उनका इंक्रीमेंटल फैक्टर कितना होगा। तो इनका जो इंक्रीमेंटल फैक्टर होता है नंबर ऑफ शू का, अगर ये स्पीड इसकी सेंट्रीफ्यूगल क्लच की डबल कर दी जाए एंगेजमेंट स्पीड, तो कितना होता है, टू होता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा टू गियर्स आर सेट टू बी हैव अ कंजीक्यूटिव मोशन, मतलब दो गियर्स को कंजीक्यूटिव मोशन कब कहा जाता है। तो जी अब ये एंगुलर मोशन में होता है जब कहा जाता है, तो एंगुलर मोशन वाला हम देखेंगे। सी वाला ऑप्शन है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के जो मैंने आंसर बताने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, चार ऑप्शन पूछ रहा है करेक्ट ऑप्शन किसके किसके बारे में। फॉर द स्पीड रेशियो ऑफ गियर ट्रेन, गियर ट्रेन का जो स्पीड रेशियो फॉर्मूला है वह हमें करेक्ट वाला बताना है। जो स्पीड रेशियो का फॉर्मूला ऐसा मुझे याद होना चाहिए, तो इसका जो याद होना है आपको याद होगा तो लिखा होगा स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर, ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हेन द रिलेशन एफ सी इज इक्वल टू ए आर प्लस बी इज सेटिस्फाई, मतलब इक्वेशन है वह सेटिस्फाई होनी चाहिए किसके लिए, और स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर, जो स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर है एज द रिलेशन बिटवीन द कंट्रोलिंग फोर्स और रेडियस ऑफ रोटेशन, इन दोनों के द्वारा ऐसा अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो पूछ रहा है हम पर उसको किस टाइप का गवर्नर या किस टाइप की कंडीशन को जो गवर्नर होता हुआ है बोला जाएगा। तो ये होते हैं अनस्टेबल गवर्नर, कौन से होते हैं, अनस्टेबल गवर्नर होते हैं जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहा होंगे, और आप विथ एक्सप्लेन आप अच्छे समझना चाहते हैं कि आप इनका हमें विथ एक्सप्लेन भी चाहिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। उसमें जो भी हमारा एसएससी जेई का सेक्शन है उसको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आती है, तो हमने एक चार्ट बना के दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से उस चार्ट को फॉलो करके आप एसएससी जेई के एग्जाम मतलब पहुंच सकते हैं। विद एक्सप्लेन ऐसे सारे पीडीएफ के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, ई बुक सेक्शन में चले जाना। और ऐसे ही लगभग हम जो हमने जैसे प्रॉमिस किया 3000 क्वेश्चन उसमें सब अपलोड करने वाला हूँ। 3000 क्वेश्चन आराम से, अभी जो भी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं उनसे आप स्टडी करना स्टार्ट कर दें, और धीमे धीमे मैं अपलोड करता रहता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन के बारे में बताना है ट्रू है लेकिन किसके लिए, फॉर हाइट ऑफ द वाटर गवर्नर, वाटर गवर्नर उसकी हाइट का जो फॉर्मूला होता है कितनी होती है वह हमें इसमें करेक्ट बताना है। इसका जो आंसर है 89.5 कितना 89.5 बटे एन स्क्वायर, हमारा वाला ऑप्शन इसका राइट है किसकी, वाटर गवर्नर की हाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा विच रेशो डिफाइन द, हमें एक रेशो के बारे में पूछा है जो डिफाइन करता है हाइट ऑफ पोर्टर गवर्नर टू द ऑफ द वाटर गवर्नर, जो पोर्टर गवर्नर और वाटर गवर्नर के बीच में जो रेशो है डिफाइन करता है जब कब इक्वल आर्म हो और लिंक लेंथ हो और एम इज द मास ऑफ द वाल हो और कैपिटल एम इज द मास ऑफ द स्लीव। इस तरह जो डाटा दिया है दोनों गवर्नर का हमें रेशो बताना क्या बता? तो ये बनता है जो मेरे अकॉर्डिंग जो ये लगभग जो आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 14 का सी वाला, एम प्लस स्मॉल एम बटे स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बटे स्मॉल एम, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
जो भी क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, वीडियो हमेशा पूरा देखें जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। 10 से 12 मिनट का वीडियो रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, व्हाट ऑफसेट इज प्रोवाइडेड फॉर अ कैम फॉलोअर मैकेनिज्म। क्वेश्चन पूछा जो कैम फॉलोअर मैकेनिज्म है उसको ऑफसेट क्यों प्रोवाइड की जाती है। तो इसको जो ऑफसेट प्रोवाइड की जाती है टू मिनिमाइज द साइड थ्रस्ट, जो साइड थ्रस्ट है उसको कम करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम ऑफसेट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज अ बेसिक टाइप ऑफ स्टैंड। जो हमारे स्टैंड के टाइप्स होते हैं उसमें से एक कोई उसका टाइप नहीं होता है, वह हमें इन चारों में से बताना है। तो हम जानते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, शियर स्ट्रेंथ भी होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ भी होता है, लेकिन एरिया स्ट्रेंथ आपने नहीं पढ़ा होगा कि स्ट्रेंथ का टाइप्स होता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच टाइप ऑफ सपोर्ट हैज अ रिएक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट कंपोनेंट्स। जो रिएक्शन और बेंडिंग मोमेंट कंपोनेंट है उसमें किस टाइप का सपोर्ट होता है। इसमें होता है फिक्स्ड सपोर्ट। कौन सा होता है? फिक्स्ड टाइप का सपोर्ट होता है। तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है जिसको हम मतलब सॉल्व करके समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो भी डाटा दिया उसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक रॉड है विथ अ लेंथ, उसकी लेंथ दी है 100 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर हमें याद रखना है, डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लेंथ 100 दी है। अंडर एक्सियल फ्लो लोड लग रहा है 50 किलोमीटर का। तो याद रखें यहाँ सेंटीमीटर दी है तो उसको हमें यूनिट याद रखना है, 50 किलोमीटर। व्हाट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस पूछ रहा है। स्ट्रेस हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया से हम निकाल लेते हैं इसको। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर गिवन डाटा वगैरह लिखने में टाइम वेस्ट न करें, डायरेक्ट सॉल्व करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते, क्या लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया। किसमें पूछ रहा है, लिखा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फोर्स कितना दिया है, लिखा है 50। एरिया क्या होता है, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो न्यूटन पूछ रहा है, फोर्स किसने दिया है, किलो न्यूटन में। तो हम 50 के साथ कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 3 का, मतलब किलो न्यूटन को न्यूटन परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे इसको बढ़ाएंगे तो 50 की जगह 50 रहेगा और कितना जो भी हमारा 10 की पावर 3 है उसकी जगह उसको रख देंगे। नीचे हम वैल्यू लिखेंगे किसकी, पाई बाई 4 की जगह पाई बाई 4 रख देंगे इंटू। अब यहाँ डी स्क्वायर है, डी की वैल्यू कितनी थी, 4 सेंटीमीटर याद रखी थी, 4 सेंटीमीटर। इसको हम किस में एमएम में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ एमएम स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो 4 सेंटीमीटर से कितना हो जाएगा, 40 एमएम, क्योंकि सेंटीमीटर को एमएम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 39.78 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसमें जो भी ऑप्शन होगा उसमें टिक कर दूंगा। तो लगभग 4 के समथिंग इसका अप्रोक्सीमेट आंसर माना जाएगा, सॉरी 40, 39.78 है तो 40 अप्रोक्सीमेट पे हम टिक कर दें। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, उसके बारे में हमें ट्रू बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट, मतलब उसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा गया। तो डेफिनेशन आप जानते होंगे क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। तो नॉर्मली जब आपको फॉर्मूला पता ही है तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ वन एंड ऑफ द हिंज कॉलम इज मेड फिक्स, अगर कोई बीम है इसका एक एंड फिक्स कर दिया जाए एंड अदर इज फ्री और उसका दूसरा फ्री, देन बाय हाउ मच अ क्रिटिकल लोड इज कंपेयर टू द ओरिजिनल वैल्यू। जो ओरिजिनल वैल्यू से अगर कंपेयर किया जाए तो कितना होगा, तो इसकी जो वैल्यू रहती हुआ होती है कितनी, 0.25। इसकी जो भी अब जो जो हमारी कंडीशन होती है एंड कंडीशन, उसके आधार पर इसको निकाला जाता है, एक दूसरे को आप डिवाइड करके उसमें जो वैल्यू निकलती हुआ होती है 0.25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर विच टाइप ऑफ कॉलम द बकलिंग लोड विल बी मैक्सिमम। पूछ रहा है किस टाइप के कॉलम में जो बकलिंग लोड है वह मैक्सिमम होता है। तो ऐसा कॉलम जिसके दोनों एंड फिक्स हो उसके लिए बकलिंग लोड मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे हम कहाँ पर मिलेगा, इस बी वाला ऑप्शन मिल जाएगा कि दोनों एंड फिक्स हो। तो हमारा कौन सा क्लेम लिखा हुआ उसमें, तो बी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ यूलर क्रिपलिंग लोड। पूछ रहा है कि जो यूलर क्रिपलिंग लोड है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, जब फॉर अ कॉलम विथ बोथ एंड हिंज, दोनों एंड हिंज हो,
इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज हाफ, और उसकी ये जो कॉलम की लेंथ है हाफ कर दिया जाए, तो यह होता है यह इसका जो इस जो भी इसका यूलर्स का फॉर्मूला उसके थ्रू जो हाफ लेंथ रख देंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा कितना आता है, 4 आता है। तो कौन सा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल, इसमें लिखा है इफ अ लोड 40 किलोन्यूटन, मतलब लोड दिया 40 किलोन्यूटन इज अप्लाइड इन अ कंप्रेसिव मैनर ऑफ अ रॉड व्हिच क्रॉस सेक्शन दिया उसका 10 mm into 20 mm, मतलब 1 किलोन्यूटन में दिया और जो हमारा एरिया दिया हुआ है 10 into 20 मतलब किस में दिया mm स्क्वायर में। देन व्हाट विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेस, लेकिन मेगा पास्कल में निकालना है, याद रखना है किसमें, मेगा पास्कल। इसको सॉल्व करके मैं समझा देता हूं। तो जो वैल्यू दिए याद रखें, जो भी मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्या पूछा, स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोटेट करते हैं, क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ पर देख रहा है 40 दिया हुआ है, लेकिन किलोमीटर में दिया तो किलो को चेंज करके हम 10^3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया होता है, क्या होता है, एरिया यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिया है 10 into 20, तो डायरेक्ट एरिया की वैल्यू दी है तो हम कितना 10 into 20 मतलब 200 कर देंगे। तो ये जो किसमें हो जाएगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। ये देखो दो जीरो है, एक तो ये कट जाएगी, दो से ये दो कट जाएगा और यहाँ पर एक जीरो कट कम हो जाएगी। तो जो हमारी वैल्यू बचेगी सिग्मा इज इक्वल टू कितना बचेगी, 2 into 100 या 200 भी कह सकते हैं। तो अब एक अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, अब किस में आए, न्यूटन पर एम स्क्वायर में, याद रखें हमें किस में चाहिए, ये जो दिया मेगा पास्कल में। अब इसको मेगा पास्कल में कैसे चेंज करते हैं, हम जानते हैं कि 1 मेगा पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 मेगा पास्कल इक्वल टू होता है 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर mm को न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ता, तो 200 की जगह 200 ही रहेगा, ठीक है, इनटू mm स्क्वायर की जगह अगर मीटर में परिवर्तन करना तो हम क्या करेंगे, 10^3 का डिवाइड करेंगे, तो न्यूटन की जगह न्यूटन रहेगा, यहाँ 1/10^3 का और mm स्क्वायर से 2 बार डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 200 into 10^6, थर्ड नंबर पर ऊपर पहुंच जाएगा 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 10^6 हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 200 into हमारा क्या हो जाएगा मेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा पास्कल लिख सकते, मतलब हमारी जो वैल्यू एक ही बार में निकली यहाँ पर वो राइट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेगा पास्कल, कितना 200, तो हमारा 200 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। समझ में आ गया हो, बहुत अच्छी, कि हमारा जो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखा हुआ है एक इसके बराबर होता है 1 मेगा पास्कल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भी एक न्यूमेरिकल दिया, व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस के बारे में पूछ रहा है, निकालना है हमें, डेवलप इन अ रॉड हैविंग डायमीटर दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, लेंथ दिया 2 सेंटीमीटर, इट एक्सपीरियंस हीटिंग फ्रॉम द टेम्परेचर का रेंज दिया 50 डिग्री से 200, मतलब डेल्टी जो रखते हैं इसके फॉर्मूले में तो इसका डिफरेंस निकलेगा 150 डिग्री सेल्सियस। द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दिया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर मिनिमाइज कर देता हूं, जैसे मैं बता रही थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू दी है इसको हम रख देते हैं, तो हमें क्या करना, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ इसका फॉर्मूला, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ सबको मैं सॉल्व करके रख लेता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है थर्मल एक्सपेंशन का जो, तो ये होता है अल्फा डेल टी और ई मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी होता है, ये टेम्परेचर का जो भी डिफरेंस दिया जाता है, अल्फा कोएफिशिएंट दिया जाता है। तो अल्फा की जो वैल्यू दी है कितनी दी, 10 into 10^-6 ऐसी वैल्यू दी गई है, जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ, इंटू यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, इंटू इंटू क्या रखना है हमें, इसकी वैल्यू, तो गीगा पास्कल दी है 250 गीगा पास्कल दिया हुआ है, इसको हमें किसमें चेंज करना पड़ेगा, गीगा पास्कल में, ये पास्कल में चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10^9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा गीगा की जगह। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद 3
सेवन फाइव इंटू टेन की पावर सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा इसके सबको पूरा चेंज करके, क्योंकि पास्कल इक्वल टू क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आ रही है 375 इंटू टेन की पावर सिक्स, ये देखेंगे डी वाले ऑप्शन में राइट दिए तो डी वाले ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। इस तरह आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा। उम्मीद है जो भी क्वेश्चन आज मैंने बताया वो समझ में आए होंगे, और वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ऐसी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।